माय नेम इज दिनेश कुमार दुर्वे। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ टिशू प्रोसेसिंग के बारे में, टिशू प्रोसेसिंग होता क्या है। तो आइए हम देखते हैं कि टिशू प्रोसेसिंग, तो टिशू प्रोसेसिंग की ये जो मशीन है ना, तो टिशू प्रोसेसिंग की पूरा ऑटोमेटिक मशीन है ना, लाइका कंपनी का मशीन है। इसमें पूरा जो है अलग अलग जार रखे हुए हैं, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि टिशू प्रोसेसिंग का, पहले टिशू प्रोसेसिंग का स्टेप। तो सबसे पहले ये जो पहला जार है ना, तो यहाँ नंबर भी डला है फर्स्ट, तो ये पहला जार है। तो पहले जार में जो है अपन क्या डालते हैं, 10% फॉर्मलिन। तो फॉर्मलिन में क्या होता है, इसमें जो है टिशू को जो है फिक्स किया जाता है। फिक्सिंग का मतलब होता है, वो अलग चैप्टर में जो मैं आपको बता दूंगा, फिर भी इसमें जो टिशू को फिक्स किया जाता है, फिक्सिंग का मतलब होता है कि उसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमिकल फीचर जो है वो चेंज ना हो, उसके लिए जो अपन 10% फॉर्मलिन में उसको सबसे पहले डालते हैं, है ना। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा जार है ना, तो जार में जो ये कैसेट्स रखे हुए हैं, तो हमने आपको दिखा दिया ये कैसेट्स के अंदर टिशू है ना, उसमें HP नंबर डला हुआ है। तो ये जार को जो है अपन इस तरीके से, यहाँ पर होल्डर है उसमें जो है अपन फंसा देते हैं इस तरीके से। तो ये पूरा ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें पूरा टाइमर है, टाइमर लगा हुआ है, टाइम सेट कर देते हैं, इसमें प्रोग्राम बनता है ना अलग अलग तरीके से। ये मशीन के बारे में भी बाद में आपको बता दिया जाएगा, केवल आपको जो है आज टिशू प्रोसेसिंग के बारे में बताते हैं। तो ये पहला स्टेप, इसमें जो है फिक्सिंग होता है ना। फिक्सिंग होने के बाद इसमें हर एक जार में अलग अलग टाइमिंग है, उसके हिसाब से जो है ये पूरा जार जो है चेंज होता रहेगा। पूरा ओवरनाइट का हमने टाइम सेट किया है इसमें, उस हिसाब से जो है ये सुबह अपने को टिशू जो है पूरा प्रोसेस होकर के हमें मिल जाता है। तो पहला जो ये जार मैंने बता दिया 10% फॉर्मलिन है, उसके बाद जो है इसको फिक्सिंग बोलते हैं। उसके बाद जो यहाँ से 50% जो है ये हमारा जो है शेड्यूल बना हुआ है इसमें, है ना, अलग अलग रिएजेंट है, फॉर्मलिन है, फिर एल्कोहल है 50%, 70, 90 एब्सोल्यूट एल्कोहल, फिर एसीटोन, जाइलिन, जाइलिन, फिर पैराफिन वैक्स, इस तरीके से जो है 12 जार इस मशीन में लगे हुए हैं। सबका टाइमिंग अलग अलग दिया हुआ है ना, लेकिन इनको अपन एक्चुअल में समझेंगे कि होता क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, दूसरा जो ये एल्कोहल है यहाँ 50% से लेकर के जो है एसीटोन तक, इसको जो है अपन डिहाइड्रेशन बोलते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है ये जो टिशू है, टिशू से वाटर को रिमूव करना है। तो वो रिमूव कैसे होगा, एल्कोहल के थ्रू होगा। एल्कोहल कैसे बनाया है हमने, इंक्रीज कंसंट्रेशन पे बनाया है ना, 50 से लेकर एब्सोल्यूट एल्कोहल। तो इंक्रीज कंसंट्रेशन पे जब हम इसको ट्रीट करते हैं टिशू को, तो वो क्या होता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है ना। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर को रिमूव करना। तो ये हमारा जो जार है नेक्स्ट जार, ये 50% का है ना। उसके बाद ये नेक्स्ट जार है, हमने केवल एक ही जार लिया है, एक्चुअल में दो जार होते हैं लेकिन हमने एक ही जार यूज किया है इसमें, है ना, 50% है। फिर उसके बाद ये जो है 70% है, फिर 70%, फिर 90%, फिर एब्सोल्यूट एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल के दो जार रखे हुए हैं, फिर उसके बाद जो है एसीटोन का जार रखा हुआ है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ तक एसीटोन तक जो है ये एब्सोल्यूट एल्कोहल तक पूरा जो है हमारा प्रोसेस कहलाता है, कौन सा, डिहाइड्रेशन, है ना। डिहाइड्रेशन के बाद जो है दो जार जो यहाँ पर रखे हुए हैं, ये दो जार जाइलिन के हैं। जाइलिन में जो हम ट्रीट क्यों करते हैं, जाइलिन से जो ट्रीट करने का मतलब होता है क्लियरिंग, है ना। तो इसमें जो है टिशू जब जाता है तो ये क्लियरिंग एजेंट, जाइलिन को उसी नाम से जाना जाता है, उसके बाद इसको क्लियरिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। क्लियरिंग के बाद जो है आफ्टर क्लियरिंग ये दो जार जो रखे हुए हैं ना, इसमें जो है सर्किट भी लगा हुआ है। ये क्यों लगा हुआ है, ये वैक्स के जार है, है ना, पैराफिन वैक्स का जार है। मैंने आपको बताया था एम्बेडिंग करते समय कि पैराफिन का मेल्टिंग पॉइंट जो है आपको 58 से 60 तक था, तो इसका टेम्परेचर उतना ही मेंटेन किया हुआ है। फर्स्ट जार है, सेकेंड जार है वैक्स का, है ना। तो इसमें जो है मेल्टिंग पॉइंट पे जो है ये पूरा वैक्स जो है पिघला हुआ रहता है। आप इसमें, हम इसको निकाल करके भी देख सकते हैं, है ना, इस तरीके से ये पूरा जो है मेल्ट किया हुआ है। इसमें ये चालू रहता है ना, 24 घंटा चालू रहता है ये मशीन में, तो ये मेल्ट ही रहता है वैक्स। तो इस तरीके से जो है इसमें, अब ये इसको अपन बोलते क्या है, सबसे पहला जो ये वाला है ना, तो इसको इन्फिल्ट्रेशन और इम्प्रेगनेशन दो टेक्निक्स इसमें यूज होते हैं, है ना, इनको टर्म दिया गया इन्फिल्ट्रेशन और इम्प्रेगनेशन। तो ये उसके बाद जो है ये लास्ट जार है 12 नंबर का जार। तो यहाँ पर जो है जब ये जार हमारा आएगा सुबह का टाइम, तो हम आते हैं, उसके बाद जो ये जार निकाल करके जो है इसको फिर एम्बेडिंग के लिए अपन ले जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हमारा टिशू प्रोसेसिंग कहलाता है। बाकी अलग अलग जार में हम इसके रिएजेंट कैसे बनाते हैं वो जो है हम आपको बता देंगे, है ना। यहाँ अलग अलग जैसे कुछ रिएजेंट रखे हुए हैं, जैसे अपन जो है प्रोपेन रखा हुआ है ना, तो ये अपन यूज करते हैं एल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए अलग अलग कंसंट्रेशन में, जैसे 50-70 है ना। तो वो जब अलग अलग जो, तो हम टिशू प्रोसेसिंग में ये वाला एल्कोहल जो है अपन यूज करते हैं, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है ना, तो इसी का जो है अपन अलग अलग कंसंट्रेशन बनाते हैं। फिर ये एसीटोन रखा हुआ है, एसीटोन जो है लास्ट एब्सोल्यूट एल्कोहल के बाद एसीटोन का यूज अपन करते हैं, है ना, तो ये रखा हुआ है। फिर ये जाइलिन है ना, तो जाइलिन क्लियरिंग एजेंट है। दोनों बॉटल ये सेम दिखाई देते हैं लेकिन दोनों का जो है अलग अलग चीज़ है ना। तो अभी के लिए फिलहाल इतना काफ़ी है, उसके बाद जो आगे के क्लास में अपन बाकी चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू सो मच।